सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन और इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी असिस्टेंट का मॉक नंबर 4 ओली बोर्ड का। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक को, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। और ओली बोर्ड पर कुछ भी परचेज़ करना है तो डिस्प्ले पे आपको कोड दिख रहा होगा, अगर वो आप यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 5% का कैशबैक भी मिलेगा, ठीक है। और कुछ भी करना चाहते हो तो ले सकते हो आप, देख लो ना जैसा भी आपको अच्छा लगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोवल्स आर रिप्लेस बाय सक्सेडिंग, ठीक है। HYDRAULICS, तो वोवल कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3। सक्सेडिंग ABUVIJ हो गया। और फिर क्या है, देन विच ऑफ द लेटर विल अपीयर मोर देन वंस, तो बी है नहीं, तो एच भी नहीं है हमारा, वाई भी नहीं है, डी भी नहीं है, आर भी नहीं है, ठीक है, बचिया कौन सा, कोई भी नहीं है, ठीक है, एक भी नहीं है। वोवल्स जो है सक्सेडिंग लेटर, हाँ मैंने एक भी नहीं दिख रहा मुझे, तो BBBABUVIJ HYDRLICS, तो एक भी नहीं है वैसे, ठीक है। ऑल द नंबर्स अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, तो क्या बताना है, ऑल द नंबर्स आर डिसेंडिंग, नंबर्स को डिसेंडिंग में पहले पे आएगा 7, 6, 4, 2, तो फिर क्या बताना है, 6 टू द राइट ऑफ 0, तो 6, 3, 0, 6 टू द राइट, 3 और 3, 6, 2 वाला 3 आ जाएगा इधर। सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर, सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर ड्रॉप, देन हाउ मैनी नंबर विल डिविजिबल बाय 4, सेकेंड ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 60 सिर्फ एक होगा, एक सेकेंड। If 6 is added to each number, then how many each numbers, okay, then how many numbers will have only odd digit, तो 6 अगर ऐड करेंगे तो 2, तो ये भी नहीं बनेगा, 7, 1, इधर 6 ऐड कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, एक भी नहीं है, then how many numbers will have only odd digits, if all the digits of each number are reverse, रिवर्स कर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द सेकेंड हाइएस्ट, रिवर्स, ठीक है, तो 3, 9 सेकेंड हाइएस्ट पूछा है, तो ये हो जाएगा 2, 2, 3, ठीक है। फिर ओनली ए फ्यू मिक्सचर मिंट, ठीक है, ऑल मिंट, मोलर, नो मोलर मिक्सचर गलत, सम मिक्सचर मोलर सम का तो सारा ही ठीक होगा, ओनली सेकेंड होगा इसका। फिर क्या आता है, ओनली ए फ्यू यूनियन अल्सर, और नो अल्सर इज एन अंबर, सम अंबर यूनियन नहीं पता, ऑल यूनियन कैन नेवर बी अंबर, ऑल यूनियन कैन नेवर बी अंबर, ये सही है, ओनली सेकेंड। फिर है ओनली ए फ्यू शेफ चेयर, ऑल चेयर कैम्प, ऑल चेयर आर कैम्प, एक सेकेंड, ऑल ये गलत बना दिया ना, ओनली ए फ्यू शेफ चेयर है और ऑल शेफ इज कैम्प, ठीक है, ऑल चेयर आर कैम्प, ऑल चेयर कैम्प नहीं पता, सम कैम्प इज चेयर, सम का तो कुछ भी लगा लो सारा ही सही होगा, ओनली सेकेंड आएगा इसका, ठीक है। 7 पुलिस ये दे रखे हैं जिनका, तो डीजीपी है ये, और ADGP, DIGP, ASP, ACP, API, ASI, ठीक है। अब देखते हैं, D इज सीनियर टू B, बट नॉट
बट ही इज नॉट, इज नॉट द, तो डी आई ये कहाँ है, ए डी सी पी डी इधर नहीं आएगा बस, तो फिर है जी इज सीनियर टू ए, जी इज सीनियर टू ए, ए जो कि ए एस पी नहीं है, ए इधर नहीं आएगा, ओनली वन रैंक बिटवीन सी और ई, नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू ई इज प्राइम नंबर, तो ये हो जाएंगे प्राइम, तो यानी कि दो या तीन या फिर पांच होंगे, ठीक है, फिर दो मान लेते हैं तो इधर आएगा, तीन मान लेते हैं इधर, तीन दो पांच ई इधर आ जाएगा, ई और फिर सी, अब सी इज नाइदर, इधर नहीं आएगा और सी, सी इधर नहीं आएगा, ठीक है, सी उधर नहीं जाएगा तो सी आ जाएगा नीचे, सी ऊपर नहीं जाएगा तो सी नीचे आ जाएगा, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन रैंक बिटवीन सी एंड बी इज इक्वल्स टू द सीनियर टू ए एस पी, सीनियर टू ए एस पी एक दो तीन है तो एक दो तीन आ जाएंगे बी, एक दो तीन आ जाएंगे बी, इधर तीन बनेगा नहीं तो ये ख़त्म हो गया। अब बी जो, बी के नीचे डी है हमारा, देख लेंगे अब इसको, नोट मोर देन थ्री रैंक एफ फोर डी, ठीक है, मोर देन थ्री एक दो तीन तो चार ऐसे ही बनेगा, फिर एफ हमें ऊपर ही लेना पड़ेगा, एफ सिर्फ ऊपर ही आ सकता है, इधर भी नहीं आएगा एफ, एक सेकेंड, एफ तो एफ हम ऊपर ले ही नहीं सकते, ठीक है, डी इधर, अब डी इधर तो एक दो तीन मोर देन थ्री है ना, तो चार हो गए, एफ इधर आएगा, अब डी इधर ले लिया तो बस नहीं बनेगा, डी इधर एक दो तीन चार, एफ आ गया इधर, डी इसमें हो नहीं सकता था, डी का काम ख़त्म, ये ख़त्म, जी और फिर ए इसमें ख़त्म हो जाएगा, जी और ए इधर आएगा, बन गया करेक्ट, बताना है नो वन रैंक बिलो एफ, सही है, और बी सीनियर टू ए एस पी, ए एस पी सीनियर हो गया, सही है, फर्स्ट और सेकेंड हो गया, थ्री पर्सन ए और डी एक दो तीन, सारे के सारे सही हैं, तो थ्री पर्सन आर रैंक ए एंड डी एक दो तीन, नो वन रैंक बिलो द एफ, नो वन इज रैंक बिलो एफ, ये भी सही है, बी इज इमीडिएट सीनियर, अच्छा इमीडिएट सीनियर नहीं है ना, वही तो, इफ द, एक सेकेंड दोबारा देख देते हैं, ठीक है, इफ ऑल द पर्सन रैंक, ओ ठीक है, फ्रॉम द हाइएस्ट, तो ए बी सी डी ई एफ जी, सिर्फ एक है जो कि चेंज नहीं हुआ, ए जी हो गया हमारा, ए पी आई, ए पी आई दो छोड़ कर गया, करेक्ट बताना है, ओके, डी जो कि है ये भी नहीं आएगा, ई ए एस पी हो जाएगा, ये किस पे है, ए पे एक छोड़ करके है, ए पी आई एक छोड़ करके ई होगा, डी जी पी ये कहाँ गया, डी जी पी एक छोड़ करके जी होगा, ए एस पी, ए एस पी एक छोड़ करके सी या फिर बी हो गया, ठीक है, बच गया ए सी पी, तो ए सी पी एक छोड़ करके जी या एफ, यही गलत हो गया, डैश इज रैंक, डैश इज रैंक एज द ए एस पी, ए एस पी हो गया, ई, ई का सिर्फ एक ही है, हाउ मैनी सच नंबर्स, हाउ मैनी सच वोवल्स आर देयर इन द वोवल सक्सेडिंग प्रीसेडिंग बाय लेटर एंड सक्सेडिंग बाय ओड नंबर, ठीक है, वोवल 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 देखते हैं, वोवल उसके बाद ओड नंबर नहीं है, वोवल ओड नंबर, लेकिन हाँ एक बन गया, वोवल वोवल के बाद ओड नंबर नहीं है, वोवल ओड नंबर एक हो गया, दो हो गए, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज सक्सेडेड बाय लेटर, ठीक है, एंड प्रीसेडेड बाय लेटर विच कम्स आफ्टर ओ, आफ्टर ओ इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अब ये देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट, निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं, कि ये भी नहीं बन सकता, ठीक है, एक्स ये भी नहीं बनेगा, आई ये भी नहीं बनेगा, एक बन गया, ये सिर्फ एक आया है, लेकिन ये एक जो है वो पी आया है, ठीक है, हाउ मैनी लेटर्स विच आर सक्सेडेड बाय एंड प्रीसेडेड बाय नंबर, नंबर
इधर नहीं है, इधर नहीं है, एक दो तीन चार, चार हो गए, सिर्फ चार हैं। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट आर ड्रॉप एंड टेंथ बताना है लेफ्ट से कॉन्सोनेंट ड्रॉप करने के बाद। ओके, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, चार आएगा। फिर हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर प्रीसेडेड बाय कॉन्सोनेंट विच कम्स बिफोर एल। ठीक है, एल से पहले जो आता है। सच कॉन्सोनेंट्स स्ट्रिंग विच कम्स बिफोर एल, तो एक तो ये आई जी एच की एल, एक यही हो गया, एक ओ दो, दो हो गए, और इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ दो ही हैं। फिर हाउ मैनी सच पेयर बताना है, एस हो गया 19, टी 20, यू 20, 1, सी यू डी 4, ई 5, एन हो गया 14, टी 20, एस हो गया 9, टी हो गया 19, टी 20 और ये 19 हो गया। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड 19, 20, एक 21, ठीक है, 20, 21 हो गया, 4, 5, 6, 7 आगे नहीं बनेगा, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं, 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। ठीक है, और ये जो है ये क्या दे रखा है, 6 एडिबल आइटम्स आर केप्ट इन ए सीरीज। ठीक है, 4 डिफरेंट बॉक्सेस, तो आगे चलते हैं। इसमें क्या ऑलमंड्स जो हैं इमीडिएट अबो वॉलनट, और टू बॉक्सेस आर बिलो 1, 2 वॉलनट, टोटल हैं 6, तो दो ऊपर आ जाएंगे। 3 बॉक्सेस बिटवीन पीनट्स एंड पिस्ता। ठीक है, कैश्यू जो है इमीडिएट अबो 1, 2, 3, अब कैशो बनाएंगे। ठीक है, इमीडिएट अबो पीनट्स 1, 2, 3 हो गया, फिर इधर ही आएगा एटलीस्ट 1 बॉक्सेस अबो रेजन, तो इधर ऐसा नहीं बनेगा। फिर ये कैशो पीनट्स और 1, 2, 3 और इधर आएगा पिस्ता, लास्ट का बच गया रेजेंस। ठीक है, 4 बॉक्सेस बिलो इट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज 4 बॉक्स बिलो, 1, 2, 3, 4, 5, 4 हैं जो कि वॉलनट है। एक सेकेंड, पूछा गया है एटलीस्ट 1 बॉक्स इज अबो, एक तो उन्हें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, विच बॉक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज 4 बॉक्स बिलो इट। एक दो तीन चार, तो मेरा तो वॉलनट ही है भाई, इमीडिएट अबो वॉलनट हो गया एंड ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो वॉलनट, 1, 2 हो गया, तो यही आएगा। ये दे ही नहीं रखा, किसके ऊपर 4 डब्बे हैं। ठीक है, स्वीट का बताना है, तो 1, 2 इसमें है, इसमें है, इन दोनों में है, तो हैशटैग स्टार हैशटैग नहीं आएगा, एट द रेट और ये बन सकता है, तो ये आएगा। फिर क्या है सम, सम 1, 2 सम इन दोनों में होगा, हैशटैग एंड हो गया और कोई दिख नहीं रहा, चॉकलेट का 1 और इसमें 2, तो स्टार हैशटैग स्टार हैशटैग आ गया, वो ये भी नहीं है, एंड वाला ये भी नहीं है। फिर है लव, लव का क्या आएगा, 1 और 2 इसमें हैं, तो वो ये भी नहीं मैच कर रहा, सिर्फ ये आएंगे। ठीक है, तो ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, हैश एंड हैशटैग ये रहा, यही है। ठीक है, एंड और स्टार का बताना है, 1 इसमें एंड और स्टार सिर्फ इसी में 1 ही। ठीक है, तो सम नहीं होगा, चॉकलेट नहीं होगा, लाइक आ जाएगा। फिर एंड का बताना है, तो एंड 1 और इन दोनों में
हैशटैग और फिर ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, परसेंटेज और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ये मैं छोड़ूंगा। 8 जो कि पीपल हैं और 11 12 11 12 11 12 11 12 दो चार आठ, मंथ दे रखे हैं मार्च अप्रैल मई और जून, मार्च अप्रैल मई और जून के जीएनसी सेम डेट, एटलीस्ट 1 पर्सन विजिट बिफोर सी, एटलीस्ट 1 और जी और जो सी है सेम डेट को होंगे, ठीक है। ई और ए विजिट ऑन सेम मंथ, एच और डी विजिट इन सेम सिटी, सेम सिटी ऑन सेम डेट, एंड एक सेकेंड एच एंड डी विजिट इन द डिफरेंट डे, ठीक है एच एंड डी विजिट द सिटी ऑन द सेम डेट, एंड एच एंड डी जो कि सेम डेट है, एंड डी विजिट आफ्टर एच, डी विजिट आफ्टर एच आएगा, ई डिड नॉट विजिट आफ्टर इमीडिएट आफ्टर सी, और एफ विजिट ऑन द 12th ऑफ द मंथ 31, तो एफ का पता चल गया हमें 12 आएगा तो एफ आ जाएगा इधर, ठीक है। जी विजिट द सिटी आफ्टर ए, जी विजिट आफ्टर ए बट नॉट ऑन द सेम मंथ, डिफरेंट मंथ आएगा इनका, ओनली टू विजिट बिटवीन ई और एफ, ठीक है, एंड ई विजिट आफ्टर एफ, तो ये तो वैसे भी नहीं बनेगा, फिर एफ आ गया इधर, ई आएगा इधर, और ई अब देखते हैं इसका हम कहाँ बना सकते हैं, सेम डेट सेम मंथ में था ई और ए, ए आ जाएगा इधर, ये कैंसल, ठीक है। ए के बाद जो कि है इधर ए और जी का क्या बोला था इसने, जी और ए विजिट सॉरी जी विजिट, जी विजिट द सिटी आफ्टर ए, जी आफ्टर ए बट नॉट ऑन सेम मंथ, जी इधर मान लेते हैं एक बार, जी इधर, और जी और सी सेम डेट में, तो 12 को ही आएगा, सी इधर नहीं आ सकता, लेकिन फर्स्ट मंथ में आएगा नहीं तो ये ख़त्म, जी 11 है तो 11 इधर आ सकता है, सी बन गया ये, जी और सी ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, एच और डी सेम डेट, ठीक है एच ऊपर आएगा, एच और डी आ गया हमारा, ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है ई और सी ये ख़त्म, ए और जी ये भी ख़त्म, ए जो फिर बच गया बी बच गया हमारा, ये आ जाएगा फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी आएगा बी, और हाउ मेनी पर्सन है फोर जी, 1 2 3 4, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट विजिट द सिटी द मंथ 30, 30 में कौन सा नहीं है, सी एच है और जी डी है, सी एच जी डी ए नहीं है, सी एच जी डी ए है नहीं, सी जो कि 11 अप्रैल, फिर एच एच है 12 अप्रैल, फिर क्या 7 सिटी है, लीनियर रो नोट डायरेक्शन है 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 हो गया, और एस इट 4 टू द 1 1 2 3 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू जो कि एडजेसेंट है एच के, और 2 पर्सन एच और एम, एम जो कि एंड पर बैठा है, 2 पर्सन एच और एम, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ये बनेगा नहीं, और एम जो कि एंड पर है, के सिट इमीडिएट राइट ऑफ जेड, के सिट इमीडिएट राइट एस जेड के एच क्यू एम वी नोट एडजेसेंट टू, तो ये आ जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी 1 2 3 आ जाएगा के, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जेड एंड क्यू, 1 2, इफ एस इज रिलेटेड टू जेड, एस इज रिलेटेड टू जेड देन एम इज रिलेटेड टू क्यू, ठीक है,
in a vertical line. अंकित इज स्टैंडिंग 23rd इन द फ्रंट फ्रॉम द फ्रंट. ओके, वो जो है इधर से 23rd पर है अंकित, और 14th पर जो है वरुण. 46 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ लाइन. ओके, हाउ मैनी पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन. तो इधर अगर 23 आ गए ना तो उस तरफ कितने बचेंगे, यहाँ से कहाँ गया, कितने थे, 46 थे. 46 में से 23 जाएगा, 3 और 23 ही बच गए उस तरफ. 23 में से 14 भी ख़त्म हो गए, तो 14 चले जाएंगे. 14 जाने के बाद 6, 7, 8 रहे, 6 और 3, 9 बचेंगे. अब एक काम करते हैं, इनको ऐड करते हैं, 7 और 1, 3, 6, 4 ठीक है, 9 ही आएगा. तो अपार्टमेंट है जो कि अपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग हैविंग फ्लोर नंबर, ठीक है, तो इसको रखते हैं एक बार. और अभी करते हैं ये बॉय और गर्ल्स दे रखे हैं, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ जो कि एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ किड्स गोइंग स्कूल इन द सिटी बी, तो 200, 300, 350 हो गए. और टू द व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ होल सिटी, क्या है, तो इसको ऐड कर लेते हैं. 2, 350 हो गए ये भी 350, तो 700 हो जाएगा. 700, 800, 850 और इधर है 950 हो गया. और इधर हाफ हाफ भी है दोनों, एक सेकेंड, इधर तो है ही नहीं, अरे गलत जोड़ दिया मैंने, एक इधर है ये, ठीक है. 2, 4, 5, 6, 7 हो गए, 700 तो इधर हो गया. अब इसमें देखते हैं, 250 यहाँ से आएगा, तो 950 वो 250, 414 हो गया. अपॉन में 1400 करेंगे, 0 तो एक कट जाएगा, 5, 0, 2, 25 आएगा इसका, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स गोइंग इन द सिटी सी, गर्ल्स का है ये वाला, सिटी सी में है 150. टू द सी एंड बी, बी में गर्ल्स कितनी है, 150, तो 300 दें, 300,000. रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ गोइंग टू द स्कूल, बॉयज़ गोइंग टू द स्कूल टू द गर्ल्स, तो बॉयज़ का हमारा 2, 3, 350 यहाँ से हो गया, 450, 500, 600, 700 गया. तो वो 7 वैसे किसी पे कटेगा तो नहीं, यही बना है 1:1. इफ वन इन एवरी 5 किड्स गोइंग टू द गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है. वो ये किसका डाटा दे रखा है, ओके, द नंबर ऑफ किड्स गोइंग टू द गवर्नमेंट स्कूल इन सी, तो सी में है 150 डिवाइड बाय 5 पर एक है ना, 5 कर देंगे, 5, 0, 50,000 आ जाएगा. What is the difference between total number of girls going A, B or C? तो girls 2, 3, 5 हो गए, 500 to the total number of boys A and B. 2 और 1, 3, 350, तो 150 आ जाएगा, ठीक है. 90% of the student A, B, C pass their respective classes A, B or C to the, ठीक है. टोटल बताने हैं तो 2, 3, 350 यहाँ से हो गया, 350 यहाँ से 700, 800, 900, 950 का 90% जो पास हो गया. टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट इन ऑल, तो इसका 10% निकालना है, तो 95 आएगा. और यहाँ से 20% जो कि हैं इसमें फेल हो जाते हैं डी में, तो 2, 2, 4, 450, 450 का 20% निकालना है, 90 यहाँ से हो गया, 9, 2, 18, 185, ठीक है. रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम और राहुल 2:3 है. राहुल इज़ 4 ईयर ओल्डर देन श्याम, तो एक की वैल्यू आ गई 4. राहुल एज बतानी चाहती 12 का, ठीक है. ये छोटे वाले करते हैं पहले, एक ये देख लेते हैं जो कि क्या है, परसेंटेज दे रखा है ना, 20 4
50 ठीक है सही है 2019 और 21 19 कहाँ है हमारा, ये 16 17 18 19 जो क्या 10 20 21 हो गया 18 5:9। फिर है द प्रोडक्शन ऑफ शुगर 2016 जो कि 20 परसेंट ऑफ द 19 का हमारा येलो 10 तो 200% आएगा इसका। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर 17 और 20, 17 में है 16 और 20 में हमारा ये 28 हो गया और 21। व्हाट इज़ द डिफरेंस प्रोडक्शन ऑफ शुगर दिस एंड दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। अच्छा 21 का हमें 21 में कितना है 18 की वैल्यू 18 200 आ गई एक की वैल्यू तो इनका डिफरेंस जो है 4 दुनिया 800 आ जाएगा इसका आंसर। द प्रोडक्शन ऑफ शुगर 2016 जो है 20 इसकी वैल्यू 2520 तो कटेगा 17 यानी 34 ठीक है 160 1760 आ गया। एवरेज ऑफ 18 कितना है 24 हो गया 18 से लेके पूरा 21 तक निकालना है तो 100 माइनस करेंगे 6 और 3 4 9 में 6 64 और फिर 1 2 3 4 कर दें 15 16 आ जाएगा। 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 ठीक है और 17600 आ गया। एवरेज निकालना है ना तो 16 कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। प्रोडक्शन ऑफ शुगर जो है इतनी मिलियन टन्स है शुगर टू इतना है 18 19 20 21 चार का ये हो गया तो 16 तो 20 का था ना वही मैं सोचूं गड़बड़ तो मैंने कर दी शायद से ना जीरो नहीं आएगा इधर तो 6 से करें 6 6 36 3 7 6 42 47 45 5 4 6 4 10 तो 6 5 11 8 2 28 16 ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ शुगर 2018 इज वट परसेंट 18 हमारे पास सही रहा इज वट परसेंट मोर ऑर लेस देन द 16 4 ज़्यादा है 20 से 1/5 तो 20% आ जाएगा। बारह इंटू 6 24 2 3 25 और यहाँ से 9 4 36 3 9 दुनिया 18 19 20 और 21 एक्स स्क्वायर माइनस ठीक है इक्वल्स टू 4 5 6 6 2 8 5 6 216 0 8 9 10 0 और 6000 आ जाएगा इधर तो 1000 आया माइनस करेंगे उधर प्लस हो जाएगा 5 6 600 जो भी आइए 9 4 36 36 3 9 2 18 19 20 और 21 600 तो ये 900 आएगा। मैं भी क्या कर रहा हूँ 30 आ जाएगा इसका आंसर और 225 डिवाइड बाय 9 4 9 2 18 9 5 45 25 ओके 100 और 9 8 72 तो 28 आएगा इसका आंसर। फिर है 4x माइनस 72 इक्वल्स टू 42 8 तो 4 से इसको पूरे काट देते हैं 10 और इधर आएगा 18 28 आ जाएगा इसका आंसर ठीक है। 17 51 5 5 ओके 20 और 5 6 5 256 आ गया। 16 से काटेंगे 4 एक सेकेंड 8 8 8 3 24 और 8 2 16 8 4 आ जाएगा। गलत कर दिया 17 51 5 5 ओके 20 6 5 और 2 डिवाइड बाय 16 करेंगे 1 है ना बचेगा कितना 4 5 6 6 4 और 4 15 16 आ जाएगा इसका। एक तो 16 का स्क्वायर रूट होता है कहाँ दिमाग लगा रहा हूँ 140 माइनस 15 6 60 60 जाएगा तो इसमें से बचेगा 80 और प्लस 86 यहाँ से 86 आएगा। फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 216 इक्वल्स टू 900 और 8 यहाँ से 8 14 2 2
यहाँ से अगर 6 और 9 में से दोगे 7, 8 में से दोगे, 8 में दोगे 6, 6 76, ये कितना 26 का। फिर है 15, 30 बना लेते हैं इसको और डबल कर दिया, इसको हाफ कर दें, 17 51 और 115, 5 और 6 5 और 6 1 66। ये कितना आ जाएगा, क्यूब है तो 100 है, ये 10 आ जाएगा और 7 17 माइनस 6 करेंगे तो 11, 25 प्लस एक्स इक्वल टू 4 4 16, 17 18 19 अपॉन 4 11 आ जाएगा इधर, और 9 10 और इधर आ जाएगा 2, 25 जाएगा तो 4 और 18 184, तो यहाँ से 16 1 2 5 1/5 आएगा एक तो, और 23/138, ठीक है। तो ये 23 6 6 18 1 6 2 12 1 13, ठीक है। तो ये गया 6 पर, 6 5 30, 30 × 24 करेंगे 0 4 3 12 1 3 6 720, ठीक है। और फिर अभी देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस और क्या हैं। तो 7 6 42, 2 7 4 28 प्लस माइनस 8 प्लस प्लस 10 और 9, तो वाई ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा, एक सेकेंड, वाई ग्रेटर देन एक्स होगा इसका। अब ये है तो माइनस प्लस प्लस इधर प्लस और 1 3 × 3 होगा, 2 2 4 और 1 बनेगा, 4 3 12 3, और इधर कितना आएगा, 2 2 4 और 3, 4 और 3 आ गया, ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। इसमें माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 और 3 7 5 35, 7 21 और 7 21 और 1, ठीक है। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, और फिर क्या है, ये माइनस माइनस, 9 3 27 और प्लस माइनस 6 तो आएगा नहीं, 8 3 24, 8 और 3, तो इसमें आ जाएगा वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है तोशी स्कोर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश 18:23, इफ यू गेट 15 मार्क्स लेस इन इंग्लिश देन इन, ठीक है, 5 नंबर कम है और 3 3 इधर 2 5, इसकी वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू आ गई 3, एवरेज मार्क्स बताने हैं तो एवरेज 8, एक सेकेंड, इसका एवरेज निकालना है ना, तो एक काम करते हैं 8 और 3 11 और 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। टोटल ये आ गया, इन टू में 1 की वैल्यू 3 आई है, 3 3 4 3 12 डिवाइड करेंगे 2 से 6 और 61.5 आएगा। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज इतना, तो 26 28 24 और 30, और कंसेक्यूटिव ओड नंबर का दे दिया 5 का, तो 7 39 41 35 33। रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो हो गया 24 और स्मॉलेस्ट ओड नंबर हो गया 33, तो ये बने 11 और 8। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट 6% 2 साल के लिए, 6 का होता है 6 से 36, 18 1 0.36, ये बनेगा इसका डिफरेंस, 2 0 ये गया और 9/5, ठीक है। 9 6 54, 5 9 3 27, 7 5 12, 2 1 3, 8 2 2 4 3 2 6, 68.64.8 ये आएगा इसका। और फिर क्या है, कंपनी 75% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज आर मेल, तो 100 मान लेते हैं जिनमें से 75 है मेल, 25 हो जाएंगी फीमेल, 60% ऑफ टोटल एम्प्लॉय गोट इंसेंटिव, 60% जो जिनको इंसेंटिव मिलता है, एंड 16% मेल एम्प्लॉय गोट इंसेंटिव, तो 75 में से 60 अगर निकालेंगे, 3 4 4 अगर 15 15 30 45, 45 को अगर इंसेंटिव मिलता है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल मेल हु गोट टोटल एम्प्लॉय, एक सेकेंड, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एम्प्लॉय आर फीमेल,
हु डिड नॉट गेट इंसेंटिव। तो इंसेंटिव बचा हुआ कितना, 15, तो 10 को मिलता है, 10% आ जाएगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ एक जो पजल छोड़ी थी मैंने, ये जो कि क्या है, इसमें 0 ग्राउंड नंबर फ्रॉम ग्राउंड टू थर्ड फ्लोर, 3, 2, 1, 0। फ्लोर और फ्लैट है और इन सच टू फ्लोर दैट वन फ्लोर इज टू द ईस्ट। ओके, वन पर्सन लिव इन ईच फ्लैट, है ना। एफ लिव्स इन फ्लोर नंबर 1, एफ आएगा इधर, और एफ लिव्स इमीडिएट अबो जे, जे इज टू द वेस्ट ऑफ एच, जे इज टू द वेस्ट ऑफ एच, और एफ लिव्स इमीडिएट अबो जे, एफ इधर ही आएगा, और इन द सेम फ्लोर टू फ्लोर जो कि हैं बिटवीन एक्स एंड एच, एक दो एक्स और एच, और सच दैट एक्स लिव ऑन द सेम साइड एच। ठीक है, और एम लिव्स टू द ईस्ट ऑफ क्यू, और नो बडी टू लिव्स टू द ईस्ट ऑफ जेड। ठीक है, क्यू डज नॉट लिव अबोव ई, तो बिलो ई हो गया। ठीक है, हु लिव्स इमीडिएट बिलो जेड, इमीडिएट बिलो जेड आ गया, एक्स ऑन द सेम साइड एच आ जाएगा इमीडिएट बिलो। हाउ मैनी पीपल लिव बिलो ई, बिलो ई 1, 2, 3 ऑन द सेम साइड, तो 3 आ जाएंगे। हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज ई, सेम फ्लोर ई, तो एक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लिव इन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड है एक्स एम, एक्स एम जेड एच, एक्स ये क्या है, एफ और जेड तो है नहीं, ईस्टर्न साइड नहीं है, ई और एच ये भी नहीं है, एफ और एक्स ये भी नहीं है, क्यू और एच कोई भी नहीं है। ठीक है, फ्लोर नंबर 3 पर कौन है, ई और एक्स। ठीक है, तो ये तो मुझे पता नहीं, अब ये है 45 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, ऑल मैन वर्क फॉर 40 डेज, 45 मैन अगर 40 डेज काम करते हैं और उसके बाद 45 में से एक्स चले जाते हैं, 45 माइनस एक्स। ठीक है, द रिमेनिंग वर्क इज़ कम्प्लीटेड बाय, तो इस एम को हटा देते हैं, एक सेकेंड, इधर कितना था, 45 था ना, 45 एम को हटाओ यहाँ से, और 0, 6, 5, 30, 3, 6, 5, 30 आ गया, और 0, 3 हो गया, 6, 24, 25, 26, 27, और इक्वल्स टू 45 जो कि 40 दिन तक काम किया, 0, 5, 20, 2, 4, 16, 17, 18, और प्लस में 45, 36, 6, 5, 30, 3, 6, 24, 25, 26, 27, और 15, 7, 5, 12, 2, 2, 4, 4, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 6, 2, 0 हो गया, और माइनस 36x, 0, 2, 8, 6, 14, 2, 1, 3 हो गया, अब 2700 करेंगे, 4, 3, 720, 36 करेंगे, 2, 0, 20 आ जाएगा यहाँ से, वैल्यू ऑफ एक्स आ गई 20। ठीक है, अब यहाँ से हम ये करते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं क्वेश्चन। फ्रूट वेंडर्स अरुण हैज़ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट जो कि हैं एप्पल, एप्पल ऑरेंज, गुआवा, पियर्स और पीचेस। ठीक है, तो देर आर टोटल 40 ऑरेंजेस ही हैज़, 40 है यह, विच इज़ 25% ऑफ द टोटल फ्रूट, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट, तो 25% है, तो 4 × 16 हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 160। क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ पीचेस है विच इज 1/8 ऑफ द टोटल, 8 करेंगे, 8, 2, 0, और टोटल नंबर ऑफ गुआवा इज 10% मोर टोटल नंबर ऑफ पीचेस, तो पीचेस का 10 हो गया, क्या बोला है, गुआवा, तो 10% हो जाएगा इसका, 2, 22 हो जाएगा रेशियो ऑफ द एप्पल और पियर्स,
एप्पल और पी एस का 7:6, पी एस का 82 और 160 में से जाएंगे 80, 8, 16 तो 78 हो जाएगा यहाँ से। और ये कितना आया है, 6 × 12 = 13, 13 × 6 = 78 तो 7 × 6 = 42, 6 × 6 = 36, 42 आएगा इधर, एप्पल आएगा 42, 36 आएंगे ये। टोटल नंबर ऑफ गुआवा इस 1% लेस देन टोटल नंबर ऑफ गुआवा, कितने लेस हैं, 18 लेस हैं देन ऑरेंज 100 तो 9, तो यहाँ से 9×5 = 45 आएगा। फिर है एवरेज ऑफ ऑरेंज पीयर्स, ऑरेंज हो गया, पीयर्स हो गया और क्या पीचेस जो 20, 6, 4, 3, 7, 8, 9 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 × 2 = 32। तो फिर है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एप्पल एंड द टोटल नंबर ऑफ पीयर्स, तो एप्पल और पीयर्स का डिफरेंस है 4 और 2 = 6। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चंस रहते हैं हमारे नीतू वेंट्स टू, ठीक है, नीतू वेंट्स टू ऑफिस फ्रॉम हर हाउस, ओके, इफ शी ट्रेवल 40% ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, एंड द रिमेनिंग इज दिस, ठीक है। तो हम कैसे निकालें टोटल डिस्टेंस इसका, एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं 100, तो 100 का स्पीड इक्वल्स टू एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है, स्पीड जो कि 40% हो गया तो 40 स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम निकालेंगे, 40 स्पीड अगर डिस्टेंस 40/60 प्लस 50% जो कि 50/50 हो गया, और द रिमेनिंग जो कि है, रिमेनिंग बच गया 10/ जो कि 30 की स्पीड से, तो एवरेज हमें पता चलाना है। अब इधर आएगा 1, ठीक है, अब इसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 × 1/4 प्लस 6 + 2 = 5, 2 आ जाएगा, अब 6 × 4 = 10 = 12, 12 आ गया, तो 12/6 = 2 आएगा, 50 आ जाएगा इसका, ठीक है। द रेशियो ऑफ द राम अपस्ट्रीम यू माइनस वी और यू प्लस वी 1:2, क्या बताना है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर तो 3/2 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि 1/2 हो जाएगी, 3:1, ठीक है। ए पर्सन बाय टू शर्ट्स इतने रुपीज इच, इफ ही सेल 10% लेस एंड सेकेंड एट प्रॉफिट, तो लेस पर बेचेगा तो 70 का लॉस हुआ, 15 × 7 = 105, ठीक है, 105 हो गया, तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ उसको 35 का हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कितने पर, एक सेकेंड, मे बी इसका 2.5 आएगा, तो टोटल जो है 1400 है, तो इतना थ्री रेशो 5 हो गया, और फिर क्या बोला है, प्रॉफिट का ही हो गया, एंड द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज, प्रॉफिट का हो गया 9:8, पी इन्वेस्टेड फॉर 15 मंथ और क्यू का हमें निकालना है, 3×15 5×x तो 9×8 हो गया, तो यहाँ से 3 आ गया, 5 आ गया, 8×40 = 5x, 4×4 = 8 आ जाएगा, तो ठीक है, 5/8 ऑफ नंबर इज 25 मोर देन द 5/12 ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, तो ये बोला है इसने, तो इन दोनों को उस तरफ ले जाते हैं, 5/8 − 5/12 अगर करेंगे तो कितना लें, 24, 8 × 3 = 5 = 15, 2 × 5 = 10, ठीक है, 25, तो 5/24 = 25px है, इधर 5 आएगा, x की वैल्यू आ गई 120, तो नंबर हमें पता चल गया, ये इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, हाँ जी 4 से डिविजिबल है, एंड देन डिवाइडेड बाय 4, ओके 4 से डिवाइड कर दिया, यानी कि आ गया 30, और एंड देन एडिड 10 तो हो गया 40, देन 1/4 होगा तो 10 आ जाएगा इसका, सिंपल सा, ठीक है।
ठीक है, तो मेरे क्वेश्चंस तो सारे हो गए हैं और एक ये मेरा बचा है, चलो ये भी देख ही लेते हैं होगा तो। सेकंड जो कि है ए सी 3 2 5 है, ई 6 का है, एल तो इसका क्या बनेगा? तो छोड़ो, इसको करते हैं सबमिट और देखते हैं क्या स्कोर रहा। और एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस किया है मैंने इस बार, देखते हैं। फिर भी 3 फिर भी गलत हो ही गए, इतना ध्यान देने के बाद भी गलत हो गए 3, तीनों के तीनों रीजनिंग के गलत हुए हैं। ओके, एक तो ये सेकंड डिजिट, विच इज़ द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट हमारा ये था, 3 आना था। शिट, मैंने ये कर दिया था, क्या कर दिया पता नहीं, क्या किया, 1 ही कर दिया मैंने। ओके, तो और क्या गलत है? पेयरिंग वाला गलत हुआ है, जिसमें पेयरिंग 6 होने थे, मैंने 5 बना दिए। 6 होने थे, मैंने कितने बनाए चेक कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन कहाँ है वो, 1 2 3 4 5 ही बनाए मैंने, 5 ही बनाए, 1 2 3 4 5। छठा कौन सा बनना था? पता नहीं अभी। 19 20 21 हो गया, 20 21 हो गया, 4 5 6 नहीं बना, 14 15 16 17 18 19 ये बनना था एक। ठीक है, तो ये मेरी गलती है। तो फिर 7% है जो कि 10% सिट इन ए लीनियर रो। ठीक है, तो लीनियर रो वाला कहाँ है अभी, ये रहा। तो लीनियर रो में जे एस इज़ रिलेटेड टू जेड बोला है, तो एम इज़ रिलेटेड टू वी आना था। शिट, मैंने एक का गैप कैसे ले लिया यार, फालतू में गलत किया मैंने 3 क्वेश्चन, तो तीनों के तीनों ऐसे ही। ठीक है, चलो अभी देखते हैं स्कोर। और आज ये लास्ट डे है इसका, ठीक है। कोड आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, अगर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा। और ये सुपर जब यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा 5% का, ठीक है। कैशबैक मिलेगा 5% का, ये ध्यान रखना। और अभी मॉक नंबर 4 हमने दिया था, तो 75.25 3 फालतू में ही गलत हुए हैं। और परसेंटाइल काफ़ी अच्छी हो जाती, और भी रैंक भी अच्छी खासी आ जाती थी, गलती मेरी ही की है काफ़ी ज़्यादा। तो रैंक जो फ़िलहाल आई है 941 और परसेंटाइल जो आया है 97। ओके, और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अगर मेरा सही होता, कहाँ गया ये रहा, 79 अगर होते ना तो 99 कुछ परसेंटाइल आती मेरी। ओके, तो ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग लगाना ही मॉक और बताना क्या आपका स्कोर रहा है इसमें। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।